भाई कुछ ये होगा गाड़ी निकलनी चाहिए गाड़ी निकलनी चाहिए कुर्सी ला कुर्सी ला टाइम में कुर्सी ला उल्टा करो उल्टा करो गाड़ी उठा अरे बैठो 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 ये उल्टा कर रख ले ऐसा ना सर लो चल चला मान ले बंद कर इसको अभी तो हमारे पास ही रहा और जब कानून बनाने वाले कानून की शपथ लेकर के संविधान की रक्षा करने के दावे करने वाले ही मखौल उड़ाने लगे और वो ही कानून तोड़ने लगे तो फिर किससे कहा जाए किससे अपेक्षा की जाए। योगेंद्र चंदोलिया भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के एक ऐसे नेता कि जब दिल्ली में सिर्फ एक एमसीडी हुआ करती थी और एमसीडी का थ्रोन चांदनी चौक के टाउन हॉल पे हुआ करता था उस समय वो पूरी दिल्ली के मेयर चुने गए थे। देवनगर करोलबाग वार्ड से एक बार नहीं लगातार 3 मरतबा यानी हैट्रिक बनाकर रिकॉर्ड बनाकर जीतने वाले योगेंद्र चंदोलिया ने हरकत की है। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक में तैनात एक हेड कांस्टेबल के साथ वो आप लोगों को चाहूंगा एक बार फिर से देखिए। बंद कर इसको बैन करो और क्या
अभी तो हमारे पास ही रहा भगवान जी। देखा आपने टैंक रोड करोल बाग की ये घटना, जहां योगेंद्र चंदोलिया जो कि पूर्व मेयर, पूर्व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और 3 बार पार्षद चुने गए एक ऐसे शख्स, एक ऐसी जनता के प्रतिनिधि, देखिए कानून की रक्षा करने के बजाय सिपाही को किस तरह गालियां दे रहे हैं और किस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उस वक्त की जब मार्केट में भरी बाजार में रौनक और भीड़ से गुलजार था वो बाजार। लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने सीनियर अफसरान के आदेश के बाद केस को रजिस्टर कर दिया है और योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ अब मामला जब दर्ज हुआ तो माफी तक मांगने को तैयार हो गए। आखिर क्या जरूरत थी जिस वक्त क्रेन आई टैंक रोड करोल बाग में, तो इतना भी अपना आपा खो बैठे, नहीं देख सके कि आखिर जहां इलीगल पार्किंग है और कोई लोग गाड़ी लगा के चले जाते हैं तो ट्रैफिक की आवाज उठाने वाले भी यही लोग होते हैं, यही जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो बार बार पुलिस के जरिए आवाज उठवाते हैं और कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, एक्शन लेने की बात करते हैं। जब पुलिस एक्शन लेती है, क्रेन आती है, गाड़ी को टो करने के लिए वहां पहुंचती है, तो जो कुछ इन्होंने किया है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। अब योगेंद्र चंदोलिया के पास अलावा माफी मांगने के और कुछ नहीं था, लेकिन केस रजिस्टर हो गया। आईपीसी की धारा 186 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। सरकारी मुलाजिम को उसके कामकाज में दखल अंदाजी करने का मामला योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीनियर अफसरान ने, जिसमें डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी बताया कि सिपाही की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल, मादरजात गालियां देना, और ये कहां से शोभा देता है एक ऐसे पूर्व पार्षद को या पूर्व दिल्ली के मेयर को या पूर्व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को। इनके खिलाफ कानूनी दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको नौकरी करना बुला दूंगा। माँ की गाली सुनने के साले तेरे को तेरे बाप ने बहुत पैदा किया होगा ना, तो 9 महीने तो भी माँ को बेला होगा। माँ की चोट मुझे क्या रहा है? बुलाला कौन सा किया ही है? बुला कौन सा किया ही है? और बुला कौन सा प्रेसिडेंट है? मेरी बेटी के लड़की को अब मैं इसको बताऊंगा इस लोने को। हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कम से कम बड़े बड़े सदनों में बैठ करके, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या फिर इस तरह से MCD के थ्रोन्स हो, सदनों में बैठ करके जो बहुत लामकाफ की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात की शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान के हलफ उठाते हैं, उन लोगों को इस इंसिडेंट के बाद सीख लेना चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। Facebook पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। बंद कर इसको। बैन करो। बस 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 ब
अभी तो हमारे पास ही रहा बाबा जी, मैं